जन जन के रान, सबका मंदिर सबका सहयोग। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 दिनों के अनुष्ठान की शुरुआत नासिक के पंचवटी के श्री काला मंदिर से की। श्री काला मंदिर ये वही मंदिर है जहां 1930 में बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज की आवाज को बुलंद किया था। 550 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण सबके राम के संदेश के साथ देश और दुनिया को एक नए भारत से परिचित करा रहा है, जिसमें राम मंदिर का सबसे पहला शिलान्यास एक दलित युवक से, आर्थिक सहयोग वाल्मीकि समाज से, और राम मंदिर के शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकलमों से रविदास जयंती को, वहीं यजमानों की भूमिका में काशी के डोमराज से लेकर समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व। तो ये राम मंदिर सिर्फ भारत का राम मंदिर नहीं है, लेकिन 500 सालों के बाद इस राम मंदिर के निर्माण ने भारत की उस छवि को भी एक नया परिचय, एक नया चेहरा दिया है, जिसकी कल्पना शायद लोग इस तरह से नहीं कर सकते थे, जो इस राम मंदिर के निर्माण के साथ एक बड़े सामाजिक बदलाव को अपने साथ लेके आ रहा है। तो आज अयोध्या के सरयू घाट के इस राम की पैड़ी से अगले एक घंटे तक हम उस बदले हुए नए भारत की उस तस्वीर को आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे संत समाज के वो लोग जो इस राम मंदिर की कल्पना के साथ साथ देख रहे हैं इस नए भारत को बनते हुए, इस नए भारत में एक बड़े बदलाव को देखते हुए, किस तरह से वो देखते हैं इस बदलाव को। क्या किसी ने कभी कल्पना की थी कि जब 500 वर्षों के बाद या आने वाले समय में, भविष्य में राम मंदिर का निर्माण होगा, तो इस राम मंदिर के निर्माण के साथ समाज की वो तमाम कुरूतियां भी पीछे छूट जाएंगी, इसी तरह इतिहास में दफन हो जाएंगी, और राम मंदिर निर्माण अपने साथ एक नए भारत के नए समाज को लेकर आगे बढ़ेगा। तो इन तमाम खबरों को आपके साथ साझा करेंगे। बताते हैं कि किस तरह से कल के महान उत्सव के लिए देश दुनिया तैयार है, और तैयार है, सज चुकी है अयोध्या नगरी। सोमवार 22 जनवरी रामलला के आगमन की घड़ी, वर्षों की तप और तपस्या का परिणाम का दिन, प्रभु श्री राम की भव्य, नव्य और दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन। अयोध्या ही क्यों, समूचा देश भगवान राम के आगमन पर प्रफुल्लित है, उत्साहित है, आह्लादित है। जर्रे जर्रे में राम की भक्ति समाहित है, और समाज का हर वर्ग उत्साहित है, और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी नगरी धर्म और आध्यात्म के रंग में सराबोर है। राम भक्तों का उत्साह सरयू की लहरों से टकराकर नव निर्मित भव्य राम मंदिर की चमक को और भी बढ़ा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मशहूर हस्तियों, साधु संतों, उद्योगपतियों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को न्योता मिला है। दुनिया की नजरें प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घड़ी पर टिकी हुई हैं। जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी अब आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त देवताओं का आवाहन, कलश स्थापना, नवग्रह का पूजन, अन्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठित की जाएगी वहां पर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि 22 जनवरी को दोपहर
12:20 पर शुरू होगी। ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि यानी 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृग शिरा नक्षत्र, मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश में होगा। शुभ मुहूर्त दिन के 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक का रहेगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का है। पूजा विधि के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ध्यान रखा है कि राम के दरबार में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। यह अनुष्ठान काशी के प्रख्यात वैदिक आचार्यों के निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे। इस दौरान 150 से अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य और 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी, जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति होगी। उधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों का आगमन शुरू हो जाएगा। मेहमानों को 10:30 तक राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करना होगा। केवल निमंत्रण पत्र से आगंतुक प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि कार्ड पर बने QR कोड के मिलान के बाद ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर प्रवेशिका का एक प्रारूप भी साझा किया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के उपरांत राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। शाम को अयोध्या 10 लाख दीपों से जगमगाएगी। इसके साथ ही मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। अयोध्या टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुए अनुष्ठानों के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से भारत में सामाजिक छुआछूत की जो बातें होती थी उन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए राम मंदिर का निर्माण कई मायनों में कई बड़े उदाहरण पेश कर रहा है। राम सबके हैं, राम शबरी के हैं, केवट के राम हैं, मजदूर के राम हैं, सन्यासी के राम हैं, गृहस्थ के राम हैं, संतों के राम हैं, साधु संतों के, सन्यासी के राम हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के आदर्शों का मंदिर है राम मंदिर। किस तरह से राम मंदिर निर्माण अपने साथ एक नई सोच को भी, और वो नई सोच नए भारत की सोच है, उसे दर्शाता है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ दो महान विभूतियां इस समय मंच पर मौजूद हैं। मैं आप दोनों को प्रणाम करती हूं। आचार्य महामंडलेश्वर महंत सुधीर दास महाराज जी, श्री काला राम मंदिर पंचवटी महाराष्ट्र से आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। हमारे साथ स्वामी डॉक्टर राम कमल दास जी, वेदांती श्री राम मंदिर वाराणसी से, महाराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महंत सुधीर दास जी आपके पास आना चाहूंगी। श्री काला राम मंदिर से प्रधानमंत्री ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत की है, आप क्या संदेश देखते हैं? अनुष्ठान के पहले दिन प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को राम मंदिर के निर्माण के साथ जो दिया। आदरणीय यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी हमारे नासिक के कालाराम मंदिर में पधारे। सबसे पहले उन्होंने गोदावरी में जाके भगवान की, गोदावरी की पूजा की, संकल्प किया। उसके बाद में हनुमान जी महाराज के दर्शन करके हमारे मंदिर में पधारे और 10 दिन का जो उनका संकल्प था, वो संकल्प जो शास्त्र विधान से होता है, व्रत जप नियम तपाहा स्वाध्याय क्रतु दया दमदान विशिष्ठानांच, ऐसा संकल्प करके उन्होंने व्रत 10 दिन का धारण किया। राम जी का जप, अनुष्ठान
जो विशेष राम सहस्त्र नामावली है उनका भी वो रोज जाप कर रहे हैं। नियम यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार अष्टांग का पालन कर रहे हैं। और मैं पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय पंत प्रधान 10 दिन के लिए उन्होंने शैया त्याग दी है, वो दर्भ के कुशा के आसन रख के कंबल डाल के 10 दिन एक व्रती के तरह एक सन्यासी की तरह एक बैरागी की तरह जमीन पे सो रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं। तो व्रत जप नियम तपह शरीर को जो तपा रहे हैं, और नियम स्वाध्याय क्रतु, क्रतु का मतलब हो गया यज्ञ यागादि संपन्न होने जा रहा है, प्रधान यजमान वो कल है, और दया दमदान विशिष्टानांच, जो भी विशिष्ट स्थान है जहाँ राम जी के कदम गिरे हैं वो स्थान पे जाके पूजा कर रहे हैं। आज भी वो रामेश्वर जी पहुँच गए तो रामेश्वर का जी का पूजन किया, तो मैंने भी आपके चैनल थ्रू जो मंत्र वहाँ पढ़े गए तो वो मंत्र के द्वारा पूरे भारतवासियों ने देखा। तो एक सामाजिक समरसता का भी संदेश उन्होंने कालाराम मंदिर को क्यों चुना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 1930 में मेरे दादाजी ने उनको कालाराम मंदिर में आने के लिए रोका था, और आज हमारी वही पीढ़ी आज हमारे प्रधानमंत्री को वेलकम करके मंदिर में उनके द्वारा स्वच्छता अभियान का एक संदेश समरसता का संदेश उन्होंने पूरे भारतवासियों को दिया कि मंदिर परिसर मठ जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसके उपरांत आप एक स्वच्छता का भी संदेश दे, सामाजिक जागरण का संदेश दे, और एक बहुत बड़ा संकल्प उन्होंने वहाँ पे कर लिया था। महाराज जी किस तरह से आप देखते हैं जब देश और दुनिया में राम मंदिर के निर्माण के साथ एक बड़ा संदेश जुड़ा हुआ है समरसता का, एक बड़े सामाजिक बदलाव का भी संकेत दे रहा है क्या? सच बात यह है कि लगभग 500-700 वर्ष पहले से ही समाज बिगड़ा। यदि वाल्मीकि रामायण को देखें, वैदिक परंपरा को देखें, शास्त्रों में देखें तो पहले मनुष्य के अंदर में जीवात्माओं के अंदर में किसी प्रकार का भेदभाव था ही नहीं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में आज से पहले कहते हैं 5000 वर्ष पहले कि समोहम सर्वभूतेषु नमे दोषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी में समान रूप से विद्यमान हूँ, किसी में भी लघुत्व और गुरुत्व का भेदभाव नहीं है। अयम लघुर गुरुश्चायम इतिमा भूरि भुदा कुचित। श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले समाज में यही संदेश दिया था कि हम उन राम की उपासना करते हैं जिन भगवान श्री राम जी ने किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी भेदभाव नहीं रखा। आज हम जिन भरत जी की बात करते हैं, मोदी जी की, मेरा नाम भरत जी निकल गया क्योंकि वो भरत जी के ही आचरण पर चल रहे हैं। भरत जी महाराज कंटका किरण भूमि में जहाँ भगवान श्री राम जी बिना पन्हियों के चले वो बिना पन्हियों के चले। भरत जी महाराज ने कुछ कंटक साथरी कुछ दसाई और भरत जी महाराज ने देखा कि प्रभु श्री राम जिस धरती पर चल रहे हैं मुझे तो उस धरती पर भी सोने का अधिकार नहीं है। मई खन कुछ साथरी दसाई और कीन प्रणाम मात महिलाई। तो उन्होंने पृथ्वी को खोद करके गड्ढा बनाया, कुशा बिछाया और उसमें वो सोए। किसके लिए? क्योंकि वस्तुतः राम राज्य लाने का प्रयास सबसे पहले परशुराम जी ने किया, लेकिन परशुराम जी महाराज ने फरसे के बल पर और एक वर्ण विशेष के बल पर राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए, वो सफल नहीं हो सके। दूसरा प्रयास राम राज्य लाने का श्री दशरथ जी महाराज ने किया, लेकिन दशरथ जी महाराज ने उस राम राज्य को लाने में कल रख दिया, एक दिन का विलंब कर दिया, परिणाम ये हुआ कि वे राम राज्य को स्थापित नहीं कर पाए। तीसरा प्रयास राम राज्य को लाने का खुद भगवान राम ने किया, लेकिन वो राजा बनते तब राम राज्य ला पाते, उसके पहले ही उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास से भेज दिया गया। इस राम राज्य को वस्तुतः वह महापुरुष लेकर के आया है जो भूमि पर सोया है, जिसने वनवास ना होने पर भी वनवासी का जीवन जिया है। उसी तरह से वर्तमान के जो हमारे प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, वो प्रधानमंत्री होते हुए भी भूमि पर शयन करते हैं, मात्र नारियल जल का पान करते हैं और उस काले राम मंदिर से, काले राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का एक मंदिर है, हमारे संत जी भी उसके आचार्य हैं वर्तमान में, काले राम उसी से हैं, और वो उस मंदिर में छुआ छूत का भाव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा है सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मता,
इस परंपरा में पहले से ही जैसे नारी का भेद करते थे, सबरी हमारी पहले से ही संन्यासिन थी, कोई भेदभाव था नहीं। श्री राम उसके जूठे बेरों को खाते हैं, कोल बिलों को गले लगाते हैं। जब वे निषाद के पास में गए, निषाद को बगल में बैठा लिया, वशिष्ठ जी ने प्रश्न कर दिया कि कहाँ निषाद और कहाँ आप रघुवंश तिलक शिरोमणि और आपने बगल में बैठा लिया। तो भरत जी ने कहा कि मैंने तो गलती की जी, कि मैंने उसे अपने बगल में बैठा लिया, मुझे उनके बगल में नहीं, मुझे चरणों में बैठना चाहिए, क्योंकि आपने निषाद का जो परिचय दिया ये कह करके दिया कि वो राम के सखा है और मैं राम का दास हूँ, राम का सखा ऊपर होना चाहिए, मुझे नीचे होना चाहिए। तो श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी में श्री सीताराम जी विराजमान करते हैं, इसलिए छोटे बड़े का कोई भेद है ही नहीं। जी बिल्कुल, राम मंदिर के निर्माण के साथ एक बड़े सामाजिक बदलाव, समरसता का एक बड़ा संदेश राम मंदिर निर्माण में है। कल प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसका इंतजार देश दुनिया में सभी को है, उस पल का। कल सुबह जिस अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे जब। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरे विषय पर बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखेंगे अयोध्या से जुड़ी कुछ और खबरें। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? कब? 26 दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। Finolex Pipes, पीढ़ियां बदलेंगी पाइप नहीं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC. भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें, जहाँ तक हो सके बचे हुए खाने को अन्न व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयरटाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में, कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है, जियो पेपर प्राप्त हुए, लड़ता है झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। स्मार्ट ड्राइव करें और स्मार्ट बचत करें। अपनाइए न्यू इंडिया की पे एज यू ड्राइव पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC, हर पल आपके साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति।
आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कल यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में बने भव्य मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सभी को बेसब्री से है। रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम विराजित होंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह भगवान राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वे पिछले कई दिनों से यम नियम का पालन करने के साथ ही देश के कई मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान के पालन की शुरुआत की। उन्होंने इसे अपने मजबूत संकल्प के सहारे सिद्ध कर अपने आध्यात्मिक जीवन के विशेष पहलू को सभी के सामने रखा। उन्होंने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक धाम पंचवटी से शुरू किए गए अनुष्ठान के दौरान शास्त्रों में वर्णित कठोर व्रत और नियमों का पालन किया। पीएम ने कहा कि आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से उन्हें जो मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार वे 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर परिसर के स्वच्छता कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश स्थित पुट्टपर्थी के लेपाक्षी ग्राम स्थित वीरभद्र मंदिर में दर्शन और पूजा की। उन्होंने तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद सुने और आंध्र प्रदेश की पारंपरिक छाया कठपुतली कला, जिसे थोलू बोमालता के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से प्रस्तुत जटायु की कहानी देखी। पीएम मोदी ने 17 जनवरी को केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मंदिर की दिव्य ऊर्जा अपरंपार है। उन्होंने कामना की कि हर भारतीय सुखी और समृद्ध रहे। प्रधानमंत्री ने 17 जनवरी को केरल के त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति का भी अवलोकन किया और कलाकारों और बटुकों को सम्मानित भी किया। पीएम ने कहा कि मलयालम में श्री आध्यात्म रामायण के छंद और अन्य भजन सुनना भी बहुत खास रहा। प्रधानमंत्री ने 20 जनवरी को तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर में कंब रामायण की चौपाइयां भी सुनी, जहां महान कंबन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी रामायण प्रस्तुत की थी। पीएम ने कहा कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना करने का अवसर पाकर वे सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस मंदिर के साथ प्रभु श्री राम का संबंध बहुत ही पुराना है। उन्होंने कहा कि वे उस भगवान का आशीर्वाद पाकर धन्य महसूस कर रहे हैं, जिसकी पूजा प्रभु श्री राम भी किया करते थे। ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தெரிய கண்டா
प्रधानमंत्री ने इसी दिन तमिलनाडु के अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम से सुदूर दक्षिण में स्थित अरिचल मुनाई गए और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने वहां ध्यान भी लगाया। ऐसा माना जाता है कि यहां पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। इसके अलावा पीएम मोदी ने धनुषकोडी में कोठंडा रामस्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। यह मंदिर श्री कोठंडा रामस्वामी को समर्पित है। कोठंडा राम नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। इसके बारे में ऐसा भी कहा गया है कि यही वह स्थान है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। और यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ओला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें बहन। हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। Introducing the TVS Apache RTR 164V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. आपका विश्वास हमारी शक्ति। आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी। आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीवी है उसको। टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। अर्जुन बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे अयोध्या धाम का, जहां हमारी सहयोगी
ऋतु वर्मा, अयोध्या में कल के विशेष कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां से समाचार है, अपडेट है, इसको लेकर हम सीधे रुख करते हैं अयोध्या का। ऋतु, ओवर टू यू। और कल होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान का पालन किया, जिसमें व्रत और कठोर नियमों का उन्होंने पालन किया। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठानों का आज छठा दिन है, विशेष दिन है, क्योंकि कल सुबह प्रभु राम को जगाया जाएगा और फिर प्राण प्रतिष्ठा का पूरा अनुष्ठान संपन्न होगा। उससे पहले आइए देखते हैं किस तरह से इन पूरे दिनों में, एक तरह से पहले दिन से लेकर छठे दिन के अनुष्ठान में क्या क्या विशेष रहा। सोमवार को रामलला अपने नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सोमवार के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले लगातार अनुष्ठानों का दौर जारी है। रविवार को अनुष्ठान के छठे दिन विभिन्न अनुष्ठान हुए। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान छठवें दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में नित्य के पूजन, हवन और पारायण के साथ आज की पूजा प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो शाम तक जारी रही। छठे दिन के अनुष्ठान की शुरुआत प्रातःकाल आवाहित देवताओं के पूजन और शांति पुष्टिक होम के साथ हुई। मध्याह्न में विग्रह के स्नापन यानी कि कलशों में औषधियों के जल के साथ विग्रह का अभिषेक किया गया और छठे दिन के अनुष्ठान में आगे बढ़ते हुए विग्रह का अंग न्यास, इसमें मंत्रोच्चारण के साथ सर से लेकर पैर के नाखून तक प्राण हेतु न्यास की प्रक्रिया है। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है शैया निवास की, इसमें भगवान के बगल में बिस्तर और तकिया लगाया जाता है और फिर 22 तारीख की सुबह प्रभु राम को जगाया जाएगा। शैया निवास के साथ ही सांध्यकाल की आरती के साथ छठे दिन के अनुष्ठान का समापन होगा और छठे दिन के अनुष्ठान के समापन के साथ ही देशवासियों को, सनातनियों को, पूरे भारतवर्ष को इंतजार होगा 22 तारीख की सुबह का, जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत होगी। 114 कलशों में औषधि युक्त जल और देश के विभिन्न तीर्थों से लाए गए पवित्र जल से श्री रामलला की मूर्ति का स्नान संपन्न हुआ। श्री रामलला के विग्रह को रविवार को मध्याधिवास में रखा गया। तो ये जैसे हमारे आपके भगवान अपने भक्तों के लिए भगवान नहीं होते, उनके लिए एक समान बालक है और समान बालक के रूप में उनकी सेवा पूजा होती है। तो कोई कार्य करते करते जब श्रम हो जाता है, थकान हो जाती है, तो उनको सुलाया जाता है, सहन करवाया जाता है, इसलिए ठाकुर जी को आज शैयाधिवास है। आज ही रात्रि जागरण अधिवास भी शुरू होगा। श्री राम लला के पुराने विग्रह की भी पूजा यज्ञशाला में हुई। चेन्नई, पुणे सहित कई स्थलों से मंगाए गए विविध फूलों से पूजन का अनुष्ठान संपन्न कराया जा रहा है। रविवार की पूजा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से अनिल मिश्र सपरिवार और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. सिंह एवं अन्य लोगों ने पूजा अनुष्ठान संपन्न किया। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की प्रक्रिया 16 जनवरी को दोपहर बाद सरयू नदी से प्रारंभ हुई थी और 17 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति का मंदिर परिसर में आगमन हुआ था। सोमवार दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होगा। अयोध्या से ऋतु वर्मा और आर्येंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कल होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह तैयार है। मेहमानों का आना आज दिन भर जारी रहा। विशेष अतिथि अयोध्या लगातार पहुंच रहे हैं। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच जाएंगे। आज भी रात भर अयोध्या को लगातार कई टन फूलों से, कई क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। सजावट देखते ही बनती है। लोगों को शायद आज रात नींद भी ना आए ये सोच के कि कल सुबह होते ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 23 तारीख से देशवासी और देश दुनिया देख सकेगी रामलला को।
तो अयोध्या से हमें दीजिए अनुमति, हैंड ओवर कर रहे हैं हम दिल्ली स्टूडियो को असीम को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रितु, इन तमाम खबरों को समेट कर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC।